लिए आपने बुलाया? हाँ, मैंने वेटर तुम वेट करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। वो मेनू देखो, मेनू। दरअसल होया है कि यार 12 बज चुके हैं और एज पर द सोसाइटी रूल्स 12 बजे के बाद कम्युनिटी हॉल को हम नहीं यूज कर सकते, इसलिए जी ओवर है जी, छाती ठोक के। पार्टी ओवर मतलब मेरी ड्यूटी भी ओवर। ओए फिटे मुंह तेरे, ओए पंजाबियों की पार्टी कभी खत्म नहीं होती। बाकी की बैलेंस पार्टी शांति चड्डा के घर में टू बी कंटिन्यूड। चलती गोलगप्पे, और तू क्या इधर उधर वेलियां मार रहा है? और चल छेती कर, सारा सामान इकट्ठा कर और मेरे फ्लैट में शिफ्ट कर, छाती ठोक के। मैं और नहीं तो क्या तेरा प्यू करेगा आके? आपका फ्लैट कौन से फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर पे है और ये 10th फ्लोर है, और 10th फ्लोर से सारा सामान लेकर सेकंड फ्लोर पे तुमने सीढ़ियों से चलते हुए जाना है, समझे? सर सॉरी सर जी, सोसाइटी का लिफ्ट खराब हो गया सर जी। ठीक है ठीक है मैनेजर साहब। और डीजे और म्यूजिक चला, 5 मिनट बाकी है। हाँ लग जाएगा, लग जाएगा, म्यूजिक भी लग जाएगा। आप सेकंड फ्लोर पे लेके जाना है सामान। मैं जरा 2 मिनट में आया। सोंटी चड्डा कुली बना के रख दिया है, एक तो लिफ्ट नहीं चल रही, ऊपर से कहते दूसरे माल पे सामान लाके रख दो। अबे तेरा सामान लाएगी मेरी जूती, नहीं करनी मुझे ऐसी ड्यूटी। सोंटी तेरी तो, अरे ये लाल चड्डी पहन के कहां बर्थडे पार्टी में जा रहे, लोगों को लगेगा कि चड्डी गैंग आ गई है। चड्डी गैंग। आप लोगों की बहुत किस्मत ही देखी है, इंस्पेक्टर मानव देसाई से मुलाकात हो गई, अब मेरी पकड़ से तुम लोग बच नहीं पाओगे। आप फिर कोशिश करके देख लीजिए। पकड़िए, अरे पकड़िए, शर्माइए मत। कोशिश क्या होती है, चलो मेरे साथ। माना कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन हमारी बॉडी भी तो बहुत चिकनी है। हम तो कानून के हाथ से यू फिसलते हुए निकल जाते हैं। अरे सुनिए सुनिए, एक एक लास्ट ट्राई कर लो, लास्ट ट्राई। हाँ हाँ, करिए कोशिश, करिए कोशिश। वही कहावत सच हो गई। कौन सी कहावत? भागते चोर की चड्डी सही। और लेकिन इस चड्डी के चक्कर में चड्डा तो लुट गया ना, छाती ठोक गए। ऐसा कैसा चड्डी गैंग, तुम्हारा नाक का नीचे से निकल गया। सॉरी सर, इट्स ओके। हमारा माथा बहुत गर्म हो रहा है सर। चाय ठंडी हो रही है सर, आप चाय तो पी लीजिए। सर इसने आपके हाथ के ऊपर गरम चाय गिरा दी सर। हमको दिख रहा है, हम फील भी कर रहा है। ए, माना के कानून अंधा होता है, लेकिन तुम्हारा आंख के अंदर क्या तेल गिर गया है? सर आंख में तेल नहीं गिरा है सर, हाथ पे तेल लगा है। सही कह रहा सर ये, वो चड्डी गैंग को पकड़ने के चक्कर में हमारे हाथ में इतना तेल लग गया कि हर चीज स्लिप हो रही है।
ये देखिए सर, मैं इसको आशीर्वाद देने जाता हूँ, थप्पड़ लग जाता है सर, फिसल रहा है सर हाथ। अगर चड्डी गैंग पकड़ा नहीं गया तो एक दिन तुम्हारा हाथ से नौकरी भी फिसल जाएगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। आप सुनिए सर, मैं जो कह रहा हूँ, इस बार हम दोनों ने मिलकर एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाया, क्यों पार्टनर? इस बार चड्डी गैंग खुद चल के हमारे सामने आएगा सर। कैसा? बहुत सिंपल है सर, जहाँ खेत है वहाँ किसान है, जहाँ बॉर्डर है वहाँ जवान है, जहाँ चड्डी है वहाँ बनियान है। खेत, किसान, बॉर्डर, जवान, बनियान, अरे पॉइंट का बात करो, प्लान क्या है? सर इस बार हमने अपनी गैंग बनाने का फैसला किया है, बनियान गैंग। और इस बनियान गैंग की एक अफवाह हम पूरे शहर में फैला देंगे सर। ये बनियान गैंग चड्डी गैंग को लूटपाट में पीछे छोड़ गया है, और फिर सर ये जो चड्डी गैंग है इसको ये बात बर्दाश्त नहीं होगी सर, और ये खुद चल के हमसे मिलने के लिए आएगा। और जब खुद चल के मिलने के लिए आएगा सर, जाहिर सी बात है कोई ना कोई गलती कर देगा, पकड़ा जाएगा। ट्रस्ट मी सर, इस बार कोई गलती नहीं होगी, मुझ पर भरोसा रखिए, मुझ पर भी। नहीं 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 नहीं, ठीक लगा, आइडिया ठीक है, कि तुम बंगाली ब्रेड यूज कर रहा है। कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। ठीक है, लेकिन तुम ये बनियान गैंग बनाएगा कैसा? कॉन्स्टेबल पंडित, वाह वाह वाह, मजा आ गया, वेरी नाइस। आहा, ओ हो हो, ये जो तेल है ना, ये हाथों पैरों में लगाने के लिए, तेरे सर पे लगाने के लिए नहीं है। अब आपकी अकल आपके घुटनों में है तो आप पैरों पे तेल लगवाइए, हमारी अकल तो सर पर है तो हम सर पे लगवा रहे हैं। अच्छा, तेल लगाने से अकल तेज होती है। देखिए मेरा गेटअप, लग रहा हूँ ना मैं बनियान गैंग का खतरनाक गुंडा। ठीक है बॉस, तुम्हें वैसे इतना गेटअप करने की जरूरत है नहीं, तुम पुलिस यूनिफॉर्म में भी गुंडे ही लगते हो। वाह, ऐसी सेवा तो कभी पुलिस वाला बन के नहीं हुई जो आज गुंडा बन के हो रही है। मैं तो सोच रहा हूँ अपनी एक ये बनियान गैंग बना ही लेता हूँ, चोरी की चोरी भी हो जाएगी, साथ साथ में चंपी भी चलती रहेगी, मुलायम मुलायम हाथों से। और इसके बाद जिस दिन पुलिस के हाथों में लग गया, उस दिन तेरी तेल मालिश लगा, तेरी पेल मालिश हो जाएगी। बताओ भाई सुंदरी, सांप को बताओ। सुंदरी क्यों बताएगी, कांस्टेबल पंडित ने। क्यों भाई? सर, मेरे हाथ इससे ज्यादा मुलायम है। हेलो हेलो, ये तुम्हारा भ्रम है, चल चलो पकड़ो। बस हो गया, इनसे लगा ले, इनके हाथ उससे भी नरम है, लगा ले। बस ठीक है, लगता है गलत जगह पर आ गया है। I'm sorry, please continue. सर, आप सही जगह पे आए सर, ये हेडक्वार्टर्स के प्रीमाइसेस है, मैं इंस्पेक्टर आदि, इंस्पेक्टर मानव देसाई। हाँ सर, वेरी गुड। अच्छा अभी करना क्या है? अभी कुछ नहीं करना सर, हमें बस कैसे भी करके मीडिया के सामने आना है। एक बार हम मीडिया के सामने आ गए, चड्डी गैंग वालों को हमारा संदेश पहुंच जाएगा। Fantastic. लेकिन इसको पीछे रखो। क्यों सर? मीडिया के सामने आएगा, तुम लोग दिखेगा ना। सर ये आपने मेरी बेइज्जती की है। होता है, कुछ कमेडी आएगा तो बोलो और करूंगा। बॉस दांत मत निकालो, जाओ गाड़ी निकालो। यस सर। बनियान गैंग रेडी। सर, आ गया ये सर। हाँ, एक सेकंड में हमको लगा हम जंगल में आ गए हैं, उड़ी बावड़े डर। खतरनाक लगना है सर, खतरनाक लगना है, जंगली अंदर से। मत पूछ, खड़ा अपनी पूछ और निकाल पैसे। मेरा पाड़ पाड़ के क्या देख रहा है, आंखें निकाल पैसे, मैं आंखें निकाल दूंगा। चल बता दे सबको बनियान गैंग कौन है। निकाल निकाल निकाल, अरे यार निकाल अंदर से। सर 120 का ही 150 का कौन सा लूं?
हमें पैसे थोड़ी ना देने, जो लेना है ले ना। सर दोनों ले लेता हूँ। नींद में है तो जाग जाइए, अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में है तो भाग जाइए, क्योंकि आज बनियान गैंग का टारगेट है शहर के डिपार्टमेंटल स्टोर। ये बनियान गैंग अभी अभी हरकत में आया है और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे। तो गौर से सुनिए इनकी कहानी इनकी जुबानी। और जंगल में एक की शेर होवे और वो है हम। छड्डी गैंग वालों, भटने के लिए तैयार हो जाओ और यो शहर छोड़ दो, क्योंकि हम रहे आगे तुम कछु नहीं। तेल लगा के चोरी करत बा, हम मक्खन लगा के करत बा, वो भी एक एक सिक्की एक एक आदमी पर लगा कर करत बा। रात पे तो 5 लग गई बा। क्या पुलिस कुछ कर पाएगी? बनियान गैंग, हमसे होशियारी इनकी तो। ये भागा, पीछे ले रोनाल्डो, छोड़ मत, पीछे करो, ये कवर कर, ये ले छोटा दे बाल को, एकदम ग्रीड में रखो, अरे बावड़ ये, रुको, क्या हो रहा है? एकदम, क्या चल रहा है? काटे का फुटबॉल मैच चल रहा है, रोनाल्डो मार रहा है, गोल पर गोल देखो, गोल वो गोल नहीं, गोल पर गोल। शैतान, एक तो तुम चड्डी गैंग को पकड़ नहीं पाए, ऊपर से बनियान गैंग और आ गया, तुम कर क्या रहे हो यार? हम इंतजार कर रहा है। इंतजार? कैसा इंतजार? देखो, पहला चड्डी गैंग था, फिर बनियान गैंग आया, अभी शर्ट गैंग आएगा, फिर पैंट गैंग आएगा, फिर आएगा सलवार, फिर आएगा कोट गैंग, उसके बाद सबको कोर्ट में कैसा खजीता हूँ ये देखो। अरे तब तो हमारे डिपार्टमेंट की पेंट उतर जाएगी। मैं कुछ नहीं जानता, दोनों गैंग्स के बारे में कुछ करो, इनकी कार्रवाई शुरू करो, वरना मैं तुमको कमिश्नर से सीधा क्या बना दूंगा? कांस्टेबल, हवलदार। देखो सर, ऐसा है, ये जो बनियान है अपना गैंग है, हमने उसको क्रिएट किया है चड्डी गैंग को पकड़ने के लिए। दादा आप टेंशन मत लो, आप खाली एक बार हंस दो। अरे सारा शहर चड्डी गैंग के आतंक में रो रहा है और तुम कहते हो कि मैं हाँ करके हंस दूं? कैसा करके? हाँ करके हंस दूं? नहीं, हाँ करके नहीं हंसूंगा। हाँ समझे, जब तक मैं अपनी आंखों से इस चड्डी गैंग के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे रोता हुआ नहीं देख लेता, तब तक मैं हाँ करके नहीं हंसूंगा। ठीक है दादा, इस सबको पकड़ूंगा, उससे पहले ना तुम हंसोगे ना आम हंसेगा। कैसा नहीं हंसेगा? हा हा करके नहीं हंसेगा। कैसा? हा हा नहीं करेगा। यस उस्ताद, हमारे खबरियों ने बताया कि बनियान गैंग इस 21 तारीख को सुंदर नगर के एक बंगले में डकैती करेगा। अब हम उस बनियान गैंग से पहले उस बंगले पे हाथ साफ कर देंगे, और वो बनियान गैंग हाथ मलता ही रह जाएगा। कांस्टेबल सुन रही? जी सर। डायलॉग तो याद है ना? हाँ मुझे याद है, आपको याद है ना? मुझे याद है, लेकिन धक्का जरा धीरे से मारना। जी सर। ठीक है चलिए। क्या तुम भी आज मेकअप करने में कितनी देर लगा दी? मेकअप नहीं करती ना तो लोग तुम्हें ही ताने मारते। ताने तो वैसे अभी भी मारने ही वाले हैं। हाँ? पूछेंगे ना, साथ में भाभी जी को नहीं लाए, ये किसको पकड़ के लाए? चुपचाप चलो वरना तुम्हारे भारत यही निकालूंगी, समझे? चलो। जाओ ना, जाओ जाओ, हो गया जाओ। तेरे लिए सुंदरी विश्व सुंदरी से कम तो नहीं है। लगता है ये लोग काफी देर के बाद आएंगे, मतलब बनियान गैंग का बुरा और हमारा अच्छा टाइम शुरू। चलो बनियान गैंग से पहले इस बंगले को साफ कर देते हैं। सर गोनी 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 आ गए। Thank you.
लिपस्टिक, मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही है, इन्हें पकड़ के काम निपटाते हैं, चल लेट्स अटैक। एक मिनट, अभी नहीं, पहले इनको ढंग से घर के अंदर तक पहुंचने दो, फिर दिखाएंगे इनको। अभी पहुंच तो गए घर के पास, अब तो लेट्स अटैक। यस सर, यही सही मौका है अटैक करने के लिए। मैंने बोला ना, जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई अटैक नहीं करेगा, समझे? सर अटैक तो हो गया। मतलब वहां देखिए, मरेगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलती गैंग, अब नहीं बच पाओगे। तू ही था ना वो मक्खन वाला, तू अकेला क्या कर लेगा हमारा? अभी पता चल जाएगा। आजा। ये क्या करत बा, डंडे के बगैर कैसे लड़त बा? ये है ना ये, हाँ ऐसे हाथ में भी है ताकत, डंडे का जरूरत नहीं है मुझे। मानव सर को चारों तरफ से घेर लिया है, खुद खुद करके माल डालेंगे उनको। अरे दीदी क्या, मैं तो कहता हूँ दो चार हाथ भी पढ़ने दो, फिर पता चलेगा मेरे अगेंस्ट जाने का मतलब क्या होता। दस बार समझाया, मच्चा मच्चा मच्चा। ऐसा ऐसा रुक जाओ, इसकी तो हाथ नहीं लगाने का। यो क्या कर रहा है? अरे हम मक्खन खाई बा। रब बावड़ी पूछ, यो कैसे भूल गया कि बनियान हमेशा चड्डी के ऊपर होवे, और आज भी है। देख। मारो सबको। तुझे क्या लगा, सिर्फ तेरी तेल के कुएं है? तेरी तो अरे गलती हो गया पा। ये था तेरा प्लान, बनियान गैंग। हमें गल भी नहीं लाने दी, ये कह के बनियान के अंदर रखेंगे कहाँ? कमिश्नर सर को इसके बारे में पता चलेगा ना, चड्डी उतार देंगे हमारी। सर मेरी चड्डी तो नहीं उतरेगी, मैं तो कमिश्नर साहब को बांग्ला में समझा दूंगा। दादा मैंने तो बहुत मेहनत किया, लेकिन मछली हमारा हाथ से फिसल गया। अरे भैया जो मछली हाथों में नहीं आती ना, उसके लिए आदित्य जाल बिछा कर रखता है। कहाँ है जाल? सर मुझे पता था, सर आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। सर अरे सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, तुम्हारा नेट वाला आइडिया ब्रिलियंट था। हम डीजीपी साहब से तुम्हारा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का सिफारिश करेगा। थोड़ा मेरा भी कीजिएगा सर, मैंने भी बोला था कैसे जाला लगाते हैं, नेट का आइडिया मैंने भी दिया था थोड़ा। अच्छा सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मुझे प्रमोशन वोशन नहीं चाहिए सर, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझ पे एक छोटा सा एहसान कर दीजिए सर। अरे तुम आवाज करो। तुम क्या रे? आप बोले आवाज करो तो मैंने मुझे बोला आवाज करने को। तू कर दे, तू कर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो, अगर आप कुछ करना ही चाहते तो मुझ पे एक एहसान कर दीजिए। अरे एहसान नहीं, तुम आवाज करो। सर कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। इस आदमी को सर मेरी जिंदगी से अलग कर दीजिए। देखिए सर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं हर केस यूँ सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये साथ में होता तो परेशानियां बढ़ जाती है। ये हट जाएगा सर, मैं हर परफॉर्मेंस ब्रिलियंट दूंगा सर, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाली परफॉर्मेंस दूंगा सर मैं। ठीक है, बहुत बड़ा बात है। हाँ सर, लेकिन
तुम दोनों को पार्टनर बन के काम करना पड़ेगा। ये मेरा ऑर्डर है। अब पार्टनर्स पार्टनर्स पार्टनर्स।